हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी व डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का PT 365। यह सामाजिक मुद्दे का है जो अभी हाल ही में आया हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। और इसके पहले सबसे पहले तो टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक आता है महिलाएँ एवं बच्चे, दूसरा आता है अन्य शुभिद वर्ग, तीसरा शिक्षा और चौथा टॉपिक आता है स्वास्थ्य, पाँचवा आता है पोषण और स्वच्छता, छठवा आता है विविध। चलिए इनके संबंध में क्या क्या संबंधित सुर्खियाँ रहीं, इन सबको एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक आया महिलाएं एवं बच्चे। महिलाएं बच्चों के संदर्भ में पहली टॉपिक में आता है स्टेम क्षेत्र की महिलाएं। स्टेम क्षेत्र मतलब यह एक पहल है। इस पहल को हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं नामक पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए की गई है। यह स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए यह इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं नामक पहल की शुरुआत की गई है। वेस्ट के बारे में, वेस्ट एक नई आई स्टेम पहल है। आई स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र पर संक्षिप्त रूप से, और इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं के संसाधनों से जोड़ना होता है। स्टेम निकटता से जुड़े चार अध्ययनों क्षेत्रों को दर्शाता है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। आई स्टेम अनुसंधान उपकरण को साझा करने हेतु एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, और इसके साथ ही यह शिक्षा, उद्योग जगत में अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है। आई स्टेम विधान विज्ञान सलाहकार द्वारा आरंभ की गई एक प्रारंभिक पहल है, जो प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य वेस्ट पहल के माध्यम से आई स्टेम इस क्षेत्र में संबद्ध महिलाओं को एक अलग मंच प्रदान करेगा, और यह मंच विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक महिला शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विधियों को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संबंधी अनुसंधान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह कौशल विकास कार्यक्रम सुविधा प्रदान करता है। साथ ही है अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और अनुसंधान एवं विकास सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी प्रदान करता है। इस पहल का लक्ष्य है वेस्ट पहल के तहत आई स्टेम द्वारा महिला उद्यमियों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित स्टार्टअप को प्रदान की जा रही वर्तमान सहायता को प्रोत्साहन देना है। इसका मेन उद्देश्य है जो आई स्टेम के जो वर्तमान वेब पोर्टल के तहत सुविधाएँ प्रदान करना, और इस सहायता से वर्तमान प्रोत्साहन सहायता भी प्रदान करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंगिक वेतन समानता। लैंगिक वेतन समानता सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बोर्ड के साथ अनुबंधित देश की महिला क्रिकेटरों के लिए वेतन इक्विटी नीति की घोषणा की है। इसमें आता है लैंगिक वेतन समानता क्या है, इसके बारे में। वेतन समानता का तात्पर्य समान नौकरी और कार्यस्थल पर कर्मचारियों को एक दूसरे के सापेक्ष समान वेतन के भुगतान से है। वेतन समानता में व्यक्ति के लिंग या निर्जातीय के आता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे प्रायः कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का संकेतक माना जाता है। भारत में लैंगिक वेतन अंतराल के बारे में, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। विश्व समानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत पुरुष श्रम आय और में का 82% अर्जित करते हैं, और महिलाएं केवल 18% अर्जित करती हैं। अब आता है लैंगिक वेतन अंतराल के समाधान हेतु किए गए उपाय, कानूनी उपाय और संवैधानिक उपाय। कानूनी उपाय के अंतर्गत आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, दूसरा आता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, तीसरा मजदूरी संहिता अधिनियम 2019, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 38(39), अनुच्छेद 39(d). अनुच्छेद 16 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी भी पद पर लोक नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की क्षमता का अधिकार प्रदान किया जाएगा। दूसरा आता है अनुच्छेद 38(2), राज्य व्यक्तियों के बीच आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। और जो 39(d) आता है, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान करता है। अब आता है सरोगेसी विनिमय नियम 2022 के बारे में सुर्खियों में क्यों।
सरकार ने सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के तहत सरोगेसी विनिमय नियम 2022 को जारी किया है। सरोगेसी विनिमय नियम 2022 के बारे में, ये नियम सरोगेसी क्लिनिक के पंजीकरण के लिए फॉर्म और रीति से संबंधित है। सरोगेसी क्लिनिक के पंजीकरण के लिए फीस एक पंजीकृत सरोगेसी क्लिनिक में नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकताओं व योग्यताओं आदि से संबंधित है। इस नियम की प्रमुख विशेषताएँ, सरोगेट माता का कोई भी सरोगेट प्रक्रिया 3 बार से ज़्यादा नहीं की जा सकती है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार सरोगेट माता को डॉक्टर के परामर्श से सरोगेसी के दौरान गर्भपात कराने की अनुमति है। सरोगेट माता को एक समझौते के माध्यम से बच्चे पर अपने सारे अधिकार त्यागने की सहमति देनी होगी और उसे बच्चों को इच्छुक दंपति को सौंपना होगा। इच्छुक दंपति को सरोगेट माता के लिए 36 माह की अवधि का एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा और बीमा राशि पर्याप्त होनी चाहिए ताकि गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रसव की संबंधी सभी जटिलताओं के खर्च को कवर किया जा सके। दंपतियों के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र क्या क्या जरूरी है, इसमें आता है इच्छुक दंपतियों में से एक या दोनों को जिला चिकित्सा बोर्ड से प्रजननहीनता का प्रमाण पत्र लाना होगा। दूसरा, मजिस्ट्रेट न्यायालय से पारित किया गया अभिभावकत्व तथा सरोगेट शिशु की कस्टडी का आदेश। और तीसरा, सरोगेट माता के लिए प्रसव के बाद 36 महीने की अवधि तक के लिए बीमा कवरेज। ये 3 प्रमाण पत्र होंगे तब आप सरोगेट मदर का सरोगेसी नियम के तहत आप सरोगेटी मदर से बच्चा में प्रक्रिया को देख सकते हैं। इसमें आता है दंपतियों के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र। दंपतियों के लिए क्या है, यह 23 से 50 वर्ष की आयु की पत्नी और 26 से 55 वर्ष की आयु की पति के लिए है। उनका कोई विवाहित बच्चा नहीं होने चाहिए। सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के बारे में, सरोगेसी की परिभाषा। सरोगेसी एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें एक महिला किसी इच्छुक दंपति के लिए गर्भधारण करती है। परोपकारी सरोगेसी की अनुमति, इसमें सरोगेट माता को मेडिकल खर्च तथा बीमा कवरेज के अलावा कोई भी आर्थिक प्रोत्साहन या इनाम नहीं दिया जा सकता। व्यावसायिक सरोगेसी में, व्यावसायिक सरोगेसी के लिए दंड 5 लाख के जुर्माने के साथ 5 वर्ष का कारावास है। सरोगेट माता के लिए पात्रता मानदंड, जिसमें अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। वह 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच विवाहित महिला होनी चाहिए जिसमें स्वयं की कोई संतान हो। और प्रतिबंध, कोई भी महिला स्वयं के युग्मक प्रदान करके सरोगेट माता नहीं बन सकती और वह अपने जीवन काल में एक से अधिक बार सरोगेट माता नहीं बन सकती। इच्छुक दंपति के लिए योग्यता, यह आवश्यकता प्रमाण पत्र और पात्रता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और बच्चे के अधिकार से संबंधित है। सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को इच्छुक दंपति या इच्छुक महिला की जैविक संतान माना जाएगा। यह सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 है। 2021 की विशेषताएं हैं, व्यावसायिक सरोगेसी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि 5 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना। और राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, इसका एक अध्यक्ष होता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री लय का प्रभारी मंत्री होता है जो इसका मंत्री होता है। और इसके निम्नलिखित कार्य में पहला आता है सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना, अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना और सरोगेसी क्लिनिक्स के लिए आचार संहिता निर्धारित करना होता है। सरोगेसी क्लिनिक्स के भौतिक बुनियादी प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरणों एवं विशेषज्ञ समूह के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना तथा राज्य सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के प्रदर्शन की निगरानी करना है। नेशनल ARTO और सरोगेसी रजिस्ट्री के बारे में, यह भारत के ARTO क्लिनिकों और सरोगेसी क्लिनिकों का एक ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड सिस्टम होता है। अब आता है भारत में गर्भपात कानून सुर्खियों में क्यों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दे दिया। अब यह अधिकार विवाहिता के साथ साथ अविवाहिता महिलाओं को भी प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का महत्व, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत इस निर्णय के अनुसार वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के लिए विभेद अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता गरिमा और निजता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार किसी अविवाहिता महिला को बच्चे को जन्म देने या नहीं देने के विकल्प का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा आता है वैवाहिक बलात्कार को संज्ञान में लेना। इस निर्णय में वैवाहिक बलात्कार को पहली बार विधिक रूप से संज्ञान में लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने के इस कारण किसी विवाहित महिला की गर्भावस्था को MTP अधिनियम के तहत बलात्कार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में महिलाएँ किसी की सहमति के बिना गर्भपात करा सकती हैं। अब महिला की परिभाषा में को विस्तार से समझाया गया है जिसमें स्पष्ट करता है कि महिला शब्द के अंतर्गत महिला या सिस जेंडर विमेन और अन्य लैंगिक पहचान वाले ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्हें सुरक्षित गर्भपात की आवश्यकता हो सकती है।
अब आता है नाबालिगों की गोपनीयता की रक्षा के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग महिलाओं को सहमति से बने यौन संबंध से उत्पन्न गर्भपात की अनुमति दी है। अब बिग बॉस को कानून 2012 के तहत पुलिस को अपनी पहचान बताए बिना गर्भपात करवा सकते हैं। भारत में गर्भपात के कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत गर्भपात कराना अवैध है, और जब तक कि इसे गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के तहत निर्धारित तरीके से ना किया गया हो। इस अधिनियम में 2021 में संशोधन किया गया है ताकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को महिलाओं के लिए उपयोगी और बनाया जा सके। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के बारे में, इसे कुछ निर्धारित शर्तों के तहत पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रेगनेंसी की समाप्ति का प्रावधान करने हेतु लागू किया जाता है, जो 20 सप्ताह तक के लिए गर्भ के लिए MTP होता है और 24 से 24 सप्ताह तक के लिए गर्भ के लिए MTP, 24 सप्ताह तक के लिए MTP के आधार पर और 24 सप्ताह के बाद गर्भ के लिए MTP के आधार पर होता है। अब आता है बाल दत्तक ग्रहण के बारे में, भारत में गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में। इसकी परिभाषा, दत्तक ग्रहण का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें माध्यम से गोद लिया बच्चा अपने जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है और जैविक बच्चे से जुड़े सभी अधिकारों विशेष अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के साथ अपने दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता की वैध संतान बन जाता है। दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून में पहला आता है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, दूसरा आता है किशोर न्याय अधिनियम 2015 और किशोर न्याय मॉडल अधिनियम 2016 तथा दत्तक ग्रहण अधिनियम 2017 आता है। भारत से बच्चों के दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों में ये बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सर्वोपरि माना जाएगा। दूसरा, बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा, जहाँ तक संभव हो बच्चों को अपने शारीरिक सांस्कृतिक परिवेश में ही रखा जाएगा। सभी दत्तक ग्रहण को बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली के तहत पंजीकृत किया जाएगा और साथ ही केयरिंग से इसकी गोपनीयता को भी बनाए रखेगा। अब आती है संस्थागत संरचना। संस्थागत संरचना में आता है कारा। कारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। दूसरी आती है सारा, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी। तीसरी आती है जिला बाल कल्याण समिति। चौथी, जिला बाल संरक्षण इकाई। पांचवी आती है विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी। छठवीं आती है अधिकृत विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी। इसके अंतर्गत संस्थागत संरचनाएं हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, अभिभावकत्व और दत्तक ग्रहण कानूनी की समीक्षा। सुर्खियों में क्यों, कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय से संबंधित विभागीय समिति ने अभिभावकत्व और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा के विषय पर 118वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके क्षेत्र और टिप्पणियां देख लेते हैं। दत्तक ग्रहण या गोद से संबंधित कानूनों की समीक्षा। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 दोनों दत्तक ग्रहण से संबंधित हैं, लेकिन इनमें मानदंड अलग अलग हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत बच्चे को गोद लेने वाले माता पिता को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। गोद लेने के इच्छुक माता पिता तो बहुत हैं, लेकिन उनकी संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं हैं। गैर पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान अधिक है और उनके खराब संचालन वजह से 762 बच्चों की मौत हो गई है तथा दत्तक ग्रहण संबंधी मामले विधि और न्याय मंत्रालय तथा महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे हैं। यह इससे संबंधित रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं। अभिभावकत्व या गार्जियनशिप संबंधी कानूनी की समीक्षा के संदर्भ में, यह हिंदू अल्पसंख्यकता और अभिभावकत्व अधिनियम में अविवाहित छोड़ों से पैदा हुए बच्चों के लिए अधर्मज या अवैध शब्द का प्रयोग किया गया। अब आता है वैवाहिक बलात्कार। सुर्खियों में क्यों, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने IPC की धारा 375 में उपबंधित वैवाहिक बलात्कार के उपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खंडित किया है। इससे संबंधित तथ्य में IPC की धारा 375 को बलात्कार को परिभाषित करते हुए सहमति की ऐसी कई धारणाओं को सूचीबद्ध करती है जिसमें भंग होने की स्थिति को पुरुष द्वारा बलात्कार माना जाएगा। हालांकि ये प्रावधान दो अपवादों को सम्मिलित करते हैं। IPC की धारा का अपवाद दो वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से शामिल नहीं करता है। वैवाहिक बलात्कार और भारत में इसकी स्थिति। भारत में वैवाहिक बलात्कार को परिभाषित करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसे IPC की धारा 375 में उल्लेखित किया गया है और राष्ट्रीय परिवार का स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार 18 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 3 में से 1 भारतीय महिला को किसी न किसी रूप में जीवनसाथी के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इसमें कर्नाटक में यह प्रतिशत सर्वाधिक है तथा उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान आता है।
वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के संदर्भ में न्यायपालिका के दृष्टिकोण में जो निम्न जो एक्ट आए हैं, एक्ट क्या जो सभी ने बाद जो प्रस्तुत किए हैं, वह इसमें आता है इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद 2017 में आया था, और निमेश भाई रत भाई देसाई बनाम गुजरात राज्य बाद 2017 में, और 2021 में केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक उपयुक्त आधार है। आईपीसी की धारा 100-375 के बारे में, यह धारा बलात्कार को परिभाषित करते हुए सहमति की ऐसी कई धारणाओं को सूचीबद्ध करती है जिनके भंग होने की स्थिति में को पुरुष द्वारा बलात्कार माना जाता है। फिर आता है इसमें दो अपवाद शामिल है, पहला चिकित्सा प्रक्रियाओं और चिकित्सा संबंधी हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा, और दूसरा एक पुरुष या उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में शामिल नहीं है। भारत में आता है वैवाहिक बलात्कार के संदर्भ में, भारतीय विधि आयोग ने अपनी 172वीं रिपोर्ट में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को खारिज कर दिया था। 2005 में केवल घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में वैवाहिक बलात्कार के लिए केवल सिविल उपचार प्रदान करता है, और 2012 में निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड मामले के बाद ऐसे कानून में संशोधन की सिफारिश करने हेतु न्यायमूर्ति जीएस वर्मा द्वारा समिति गठित किया गया था, और 2017 में केंद्र सरकार अपवादों को हटाने के विरुद्ध थी। ये इससे संबंधित संवैधानिक को कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है भारत में दहेज प्रथा के बारे में। हाल ही में केरल में कथित दहेज प्रथा से जुड़े मामलों में 3 युवा दुल्हनों की मृत्यु हो गई। इन मौतों से इन सामाजिक बुराई की ओर फिर से ध्यान खींचा है। दहेज के बारे में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में दहेज को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा में वधू मूल्य या मेहर को शामिल नहीं किया गया है। मेहर वह धन होता है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम शादियों में दूल्हा अपनी दुल्हन को देता है। ज्ञातव्य है कि लड़की के माता पिता उसके विवाह पर स्त्री धन के रूप में उपहार दे सकते हैं ताकि आपात स्थिति में वह अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके। इसके विपरीत प्रथा को बधुमूल्य कहा जाता है, जिसमें दूल्हे की ओर से दुल्हन के माता पिता को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। भारत में कुछ आदिवासी समुदाय जैसे आंध्र प्रदेश के अनाडी और गुजरात के बरिया भागी और डामोर पारंपरिक रूप से बधुमूल्य के रूप में भुगतान करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में, यह अधिनियम जांच के उद्देश्य से दहेज के एक संज्ञेय अपराध माना जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल होता है, और स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है। दहेज लेने और देने का करार को अमान्य शून्य करार किया गया, और दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार को करनी होती है, और निम्नलिखित मामलों में कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है, दहेज लेना या देना, दहेज की मांग करना, और दहेज से संबंधित विज्ञापन के संदर्भ में। अब आता है लैंगिक अपराधों से ऐसे बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉस्को एक्ट के बारे में, सुर्खियों में क्यों। भारत में मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि संसद को पॉस्को अधिनियम के 4 के तहत सहमति की आयु संबंधी मुद्दे की जांच करनी चाहिए। इससे संबंधित तथ्य में इसमें पॉस्को अधिनियम 2012 की वजह से किशोरों से जुड़े सहमति आधारित लैंगिक संबंधों के मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के समक्ष कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। इसी को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उपयुक्त अपील की है। सीजीआई ने इनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट और यूनिसेफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन का उल्लेख किया है। इस अध्ययन में रोमेस्टिक कॉसेस अंडर द पोस्ट एक्ट एन एनालिसिस ऑफ जजमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स इन असम महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल नामक शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस अध्ययन के अनुसार पॉस्को अधिनियम के तहत प्रत्येक 4 केस में से एक रोमांटिक केस या प्रेम संबंध से जुड़ा होता है। इसमें 93.8% मामलों में आरोपियों को निर्दोष पाया गया, और 46.6% मामले में लड़की की उम्र 16 से 18 वर्ष साल के बीच थी। पॉस्को अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम के तहत किसे और कैसा संरक्षण बालकों को, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को, और यौन हमला या उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों के संरक्षण में, यह अधिनियम किस पर लागू होगा। यह अधिनियम केवल चाइल्ड सर्वाइवर और वयस्क अपराधियों पर लागू होगा। यदि दो बच्चे एक दूसरे के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत यह लागू किया जाएगा। बालकों के अनुकूल प्रक्रिया का प्रावधान, रिपोर्टिंग, साक्ष्यों, रिकॉर्डिंग, जाँच और विशेष न्यायालयों माध्यम से अपराधों की स्वीकृत सुनवाई जैसे सभी स्तर, और बच्चे के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध संज्ञा लेने की 30 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज किया जाएगा। विशेष न्यायालय के संदर्भ में यह अपराध संज्ञा लेने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए भीतर जहां तक संभव हो मुकदमे को पूरा करेगा। और दूसरा, यह प्राधिकार का दुरुपयोग करने वाले दोषियों को दंडित करता है, जैसे लोक सेवक, शैक्षिक संस्थान के कर्मचारी, पुलिस आदि। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए हैं जो इसमें 2019 में संशोधन किया गया है, जिसमें पहला बाल
पोर्नोग्राफी कुछ परिभाषित करना तथा गंभीर पेंट्रेटिव यौन हमले के दायरे में विस्तार करना और कुछ हमले के लिए न्यूनतम दंड में वृद्धि करना है। अब आता है चाइल्ड मैरिज के बारे में सुर्खियों में क्यों। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें चरण की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 आयु वर्ग की जिन महिलाओं का सर्वे हुआ है उनमें से हर चौथी महिला का विवाह 18 वर्ष से पहले कर दिया गया था। हालांकि दोनों के मामले में कम उम्र में विवाह की प्रवृत्ति में समग्र गिरावट देखी गई है। बाल विवाह के बारे में, बाल विवाह कानूनी रूप से मान्य आयु से पहले विवाह के संदर्भ में है। इसमें 20 से 49 वर्ष की आयु की 38% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा से पहले हो जाता है और 25 वर्ष से 49 वर्ष की आयु के 23% पुरुष 21 वर्ष की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा से पहले विवाह कर लेते हैं। विवाह की औसत आयु 20 से 49 वर्ष की महिलाओं में विवाह की औसत आयु 19.2 वर्ष है और इसके अलावा 25 से 49 वर्ष के पुरुषों में विवाह की आयु 24.9 वर्ष है। राज्य जहां बाल विवाह की दर उच्च है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक इसके बाद बिहार आता है। किशोरावस्था में गर्भधारण के संदर्भ में 7% महिलाओं ने 15 से 19 वर्ष की आयु में गर्भधारण किया और यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक है तथा स्कूली शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ किशोरावस्था में गर्भधारण का स्तर कम हो गया है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के प्रयास। पहला आता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत और दूसरा आता है हाल ही में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह विधेयक 2021 को संसद में पेश किया गया। तीसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जिसमें आपातकाल स्थिति में आउटरीच सेवा और चाइल्ड हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। यह बाल विवाह और संबंधित मामलों के मुद्दे पर समय समय पर विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, पहला आता है डिजिटल शक्ति 4.0। डिजिटल शक्ति 4.0 इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना होता है। यह एक अखिल भारतीय परियोजना है। यह महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने को लक्षित करती है। साथ ही यह उन्हें ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधि के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए जागरूक भी करेगी। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में 10 लाख से अधिक महिलाओं को संवेदनशील बनाना है। इसका पहला चरण 2018 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास के बारे में, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका गठन 1992 में स्थापित किया गया था तथा यह महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसको संरचना में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य और 1 सदस्य सचिव होता है तथा इसकी नियुक्तिकर्ता केंद्र सरकार होती है और इसका कार्यकाल ऐसी अवधि जो 3 वर्ष से अधिक ना हो जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में निर्धारित करे। अब नेक्स्ट आता है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल नवाचार मिशन ने अपने अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। इन चुनौतियों के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। अटल न्यू इंडिया चैलेंज नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन, पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व, सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों को हल कर सकते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के रूप में पंजीकृत कोई भी कंपनी इसके अंतर्गत आती है। तिरुवनंतपुरम घोषणा पत्र। तिरुवनंतपुरम घोषणा पत्र केरल में प्रथम राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन संपन्न हुआ है। इसमें तिरुवनंतपुरम घोषणा पत्र को अपनाया गया है। तिरुवनंतपुरम घोषणा पत्र में कई वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर निराशा व्यक्त की गई है। विधेयक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट आता है ई बाल निदान पोर्टल का कार्यकल्प। ई बाल निदान पोर्टल का कार्यकल्प, इसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान का कार्यकल्प किया है। ई बाल निदान एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति संगठन बाल अधिकारों से उल्लंघन से संबंधित शिकायतों ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। संशोधित सुविधाओं में शामिल है लैंगिक अपराधों, पालकों का संरक्षण अधिनियम, श्रम, शिक्षा आदि जैसे विषयों पर आधार पर शिकायतों का विभाजन करता है और शिकायतों को प्रत्येक स्तर पर अधिक यंत्रीकृत और समयबद्ध तरीके से ट्रैक करना है। शिकायतों को NCPCR से संबंधित राज्य आयोग को स्थानांतरित करने का विकल्प प्रदान किया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण के बारे में, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका गठन 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक संवैधिक निकाय के तहत किया गया है।
अब आता है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बाल लैंगिक शोषण सामग्री में ऑनलाइन प्रसार और साझाकरण के विरुद्ध मेघ चक्र नामक एक प्रमुख ऑपरेशन शुरू किया है। सीबीआई ने इसी तरह का एक ऑपरेशन नवंबर 2021 में संचालित किया था। इसका नाम ऑपरेशन कार्बन था। सीबीआई के पास एक अंतर्राष्ट्रीय बाल लैंगिक शोषण इमेज और वीडियो डेटाबेस है। यह डेटाबेस 10 देशों के जांचकर्ताओं को बाल लैंगिक शोषण के मामले में डेटा साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। अब आता है सड़क पर रहने वाले बच्चों के संदर्भ में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने CISS चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन की पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसे बाल स्वराज पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया है। और बाल स्वराज पोर्टल NCPCR द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। यह देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल तंत्र के माध्यम से रियल टाइम निगरानी के लिए शुरू किया गया। इस पोर्टल के दो कार्य हैं, कोविड देखभाल और CISS। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू की गई है। NCPCR बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है। अब आता है जल परिवर्तन के संदर्भ में विस्थापित बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। इसे जारी करता अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अन्य संगठनों ने जारी किया है। यह 9 सिद्धांतों का एक समूह होता है। ये सिद्धांत उन बच्चों की विशेष सुविधता को देखते हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हो गए हैं। इन दिशा निर्देशों में आंतरिक के साथ साथ सीमा पार प्रवास और दोनों को शामिल किया गया है। ये सिद्धांत बाल अधिकारों पर कनेक्शन को लिए के लिए गए हैं और ये नए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायित्वों का निर्माण नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें 174 देश हैं और 8 पर्यवेक्षक देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है अन्य सुभेद वर्ग के बारे में। अन्य सुभेद वर्ग में पहला आता है मैनुअल सिक्वेंसिंग। मैनुअल सिक्वेंसिंग सुर्खियों में क्यों? सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना तैयार की है। मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय योजना या नमस्ते के बारे में, इस योजना का उद्देश्य 100% मशीनीकरण को बढ़ावा देना है और विशेष रूप से सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई, नालियों की सफाई, कचरा उठाने, कीचड़ प्रबंधन, ठोस और अपचिकित्सा अपशिष्ट निपटान आदि के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामले के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नमस्ते योजना के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में होंगे। इस योजना के बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर नमस्ते मैनेजमेंट यूनिट्स स्थापित किए जाएंगे और इस योजना में सीवर या सेप्टिक टैंक कामगारों की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। इसमें उन अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो सफाई के जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। चिन्हित किए गए सेप्टिक टैंक कामगारों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। साथ ही उन्हें पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडेंशन सहित आजीविका सहायता भी प्रदान की जाएगी। नमस्ते योजना के इस चरण में के तहत 500 अमृत शहरों को शामिल किया गया है और चिन्हित सफाईकर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ दिया जाएगा और इन योजनाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि शामिल है। हाथ से मेला उठाने और तथा कर्मियों के नियोजन और प्रशिक्षण और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के बारे में। यह अधिनियम हाथ से मेला उठाने ढोने वालों में कौन है? अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली, गटर तथा सीवर या रेलवे पटरी से अपघटित मानव अवशिष्ट को हटाने हेतु नियोजन किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत हाथ से मेला ढोने के लिए परिभाषित किया गया है। दूसरा आता है यह कानून कैसे हाथ से मेला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करता है। यह पहला कदम अस्वच्छ शौचालयों के प्रयोग को समाप्त करना है तथा सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरणों को सौंप दी गई है। अतः ऐसे शौचालयों को कार्यात्मक और स्वच्छ बनाए रखने हेतु उन्हें आवश्यक प्रयास करने चाहिए। यह कानून निम्नलिखित को अपराध के रूप में वर्णित करता है। इसमें अस्वच्छ शौचालयों की सफाई के लिए लोगों को हाथ से मेला ढोने वाले के रूप में काम पर रखना तथा सुरक्षात्मक यंत्रों के बिना सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोगों को काम पर रखना। हाथ से मेला ढोने वाले का पुनर्वास, यह कानून हाथ से मेला ढोने वाले को पुनर्वास के लिए नियम प्रक्रिया निर्धारित करता है। पुनर्वास वैकल्पिक रोजगार में प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और संपत्ति खरीद से सहायता प्रदान करने के माध्यम से किया जाएगा।
यह हाथ से मिलन होने वालों को पहचान का दायित्व इसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, छावनी परिषद या रेलवे प्राधिकरण को हाथ से मिलन होने वाले की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। अब आता है ट्रांसजेंडर के अधिकार। हाल सुर्खियों में कि हाल ही में कर्नाटक ट्रांसजेंडर लोगों को सभी सरकारी सेवाओं में 1% 36 आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ट्रांसजेंडर के बारे में उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2019 एक ट्रांसजेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय नियत किए गए लिंग के समान नहीं होता है। इस अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति में ट्रांसमैन और ट्रांस वीमैन, इंटरसेक्स विभिन्नताओं और जेंडर भी आते हैं। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर, हिजड़ा भी शामिल होते हैं। चूंकि ट्रांसजेंडर समुदाय पुरुष या महिला की सामान्य श्रेणी में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसलिए उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण उन्हें देश के सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाला समुदाय बना देता है। अब ट्रांसजेंडर, भारत में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकार के स्रोत हैं संवैधानिक मूल्य में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के तहत विधि के समक्ष समता और विधि के तहत समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक निर्णय में नालसा बनाम भारत संघ और दूसरा आता है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ जो 2018 में आया था। ट्रांसजेंडर व्यक्ति कानून अधिनियम 2019 के बारे में, यह ट्रांसजेंडर के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है, स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार देता है, शिकायत निवारण तंत्र इसके तहत विकसित किया गया है, आवास का अधिकार देता है, शिक्षण संस्थानों के दायित्व इसके अंतर्गत दिए गए और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है जिसमें संबद्ध योजनाओं, कार्यक्रमों, विधेयकों और परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब आता है दिव्यांगजन के बारे में। दिव्यांगजन, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति का मसौदा जारी किया है। इसे सार्वजनिक विचार प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है। प्रस्तावित मसौदा नीति के बारे में, इसे निःशक्त जनों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 के स्थान लेगी लागू किया जाएगा और अनेक कारणों से चलते इस मसौदा नीति की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें शामिल है भारत द्वारा वर्ष 2007 में निःशक्त जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय पर हस्ताक्षर किए गए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का लागू होना और इसके तहत दिव्यांगता के विद्यमान प्रकारों में 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। दिव्यांगजनों के लिए एशिया प्रशांत दशक हेतु इचियोन रणनीति 2013-2022 के लिए एक पक्षकार के रूप में भारत का शामिल होना तथा इसे एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तत्वाधान में तैयार किया गया। इस इचियोन रणनीति के तहत सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एशिया प्रशांत देशों के 10 लक्ष्यों को चिन्हित किया गया है। भारत में दिव्यांगजनों के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 14 के तहत 15, 21, 23, 32, 1, 41 अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243 जी और 7वीं अनुसूची में दिव्यांगजनों एवं बेरोजगारों को राहत शामिल की गई है। यह इसके संवैधानिक प्रावधान है। अब आता है दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों में आता है सुगम्य भारत अभियान, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण भी किया गया, शारीरिक, शैक्षणिक और आर्थिक चार तरह के सशक्तिकरण से संबंधित है, जिसमें सरकार के द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई कुछ परियोजनाओं के द्वारा और इसको सहायता प्रदान करने के संदर्भ में कुछ प्रयास किए गए हैं, जिसमें है पहला आता है सुगम्य भारत अभियान, दूसरा आता है विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना, तीसरा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, दिव्यांगों को सहायक उपकरणों की खरीद फिटिंग में सहायता के लिए परचेज डिवाइसेस कार्यक्रम तथा दिव्यांगजनों में कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, दिव्यांग उद्यमियों को रियायती ऋण सहायता प्रदान करना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में, यह 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है और इसमें दिव्यांगजनों के आरक्षण के संदर्भ में है, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 5% का आरक्षण और सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण। यह आरक्षण पुलिस बल के लिए लागू नहीं है और भारतीय पुलिस, RAF, CAPF, दिल्ली और अन्य संघ शासित प्रदेशों के लिए पुलिस के लिए है। अब आता है दिव्यांगजनों के लिए सुगम और सुलभ परिवेश का निर्माण करना, कौशल विकास और खेल एवं मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना, दिव्यांगता पर केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों की भागीदारी तथा मामलों के तीव्र न्याय निर्णयन के लिए अधिनियम के तहत हर जिले में विशेष न्यायालय की स्थापना तथा अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन और इससे संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
अब आता है सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट, सुर्खियों में क्यों? विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने संयुक्त रूप से सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली रिपोर्ट लॉन्च की है। सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट के बारे में, इसे मई 2018 में अपनाए गए सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के संकल्प WHA 71.8 की प्रतिक्रिया में विकसित किया गया है। इसे WHO सहायक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है और इसके अनुसार सहायक प्रौद्योगिकी सिस्टम और सेवाओं सहित सहायक उत्पादों में संबंधित संगठित ज्ञान कौशल का अनुप्रयोग है। सहायक प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का एक सबसेट होता है जिसमें सहायक उत्पाद में व्हील चेयर, पावर चेयर इत्यादि आते हैं। वैश्विक रिपोर्ट लोगों को उनके मानवाधिकारों को समझने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी और सक्षम कार्य परिवेश को मान्यता देती है, साथ ही साक्ष्य आधारित सर्वोत्तम कार्यों को साझा करती है। इस प्रौद्योगिकी का इसके रिपोर्ट के लक्ष्य में यह रिपोर्ट सहायक प्रौद्योगिकी तक वर्तमान वैश्विक पहुंच का एक व्यापक डेटाबेस और विश्लेषण प्रस्तुत करना है और इसके लिए आवश्यकता की राष्ट्रीय और वैश्विक समझ के निर्माण हेतु जनसंख्या आधारित डेटा का उपयोग करना है। साथ ही राष्ट्रीय प्रणाली तैयारियों में मापन सहायक प्रौद्योगिकी को पहुंच सुदृढ़ करने के लिए प्रणाली स्तरीय डेटा का उपयोग किया गया है। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के कार्यान्वयन का समझौता करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को समावेशी बनाने में योगदान देना है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ के बारे में। यह इसका मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में है तथा यह इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इस संगठन में कुल 190 से अधिक देश काम करते हैं। भारत में सहायक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आरंभ की गई पहले इसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों की आबादी 26.8 मिलियन थी। प्रतिशत के हिसाब से यह 2.21% है। सहायक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है तथा यह तीसरा आता है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। यह एक मिनी रत्न श्रेणी का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य के लिए निर्बाध किफायती सहायक तकनीकी। यह नेशनल ट्रस्ट का संसाधन है। यह भारत और स्वीडन के बीच एक संयुक्त उद्यम है और भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों हेतु कार्य करता है। भारत में सहायक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता योजना एडेपी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 1981 से कार्य क्रियान्वित है। सुगम्य भारत अभियान को 2015 से शुरू किया गया है। यह अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने, सहायक उपकरणों की मदद से स्वतंत्र रूप से जीने के समान अवसर प्रदान करता है। अब आते हैं गैर अधिसूचित जनजातियाँ। गैर अधिसूचित जनजातियाँ सुर्खियों में क्यों? 31 अगस्त 2022 को आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किए जाने के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। घुमंतू अर्थ घुमंतू जनजातियों के बारे में, सभी घुमंतू जनजातियाँ गैर अधिसूचित जनजातियाँ नहीं होती हैं, लेकिन सभी गैर अधिसूचित जनजातियाँ घुमंतू जनजातियाँ होती हैं। घुमंतू और अर्धघुमंतू ऐसे सामाजिक समूह होते हैं जो अपनी जीविका के लिए आमतौर पर बदलते मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। इसमें 3 प्रकार के आते हैं। पहला, पक्षियों और जानवरों के शिकारी या ट्रैपर, आखेटक आदि, जैसे कोटारेची, चेचस इत्यादि। दूसरा आता है देहाती समूह, जैसे पारदी, गुज्जर, बंजारा, भील, कुरबा, मधुरा आदि। और तीसरा आता है फेरी वाले या पेडलर्स, भाग बताने वाले, कहानीकार, कलाबाज, नर्तक और नाटककारों के घुमंतू समूह आते हैं। गैर अधिसूचित जनजातियों के बारे में, गैर अधिसूचित जनजातियाँ ये सर्वाधिक कमजोर और वंचित समुदाय होते हैं। इन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया गया है। गैर अधिसूचित जनजातियाँ एक विषम समूह होते हैं जो विभिन्न व्यवसायों से संलग्न होते हैं और इन व्यवसायों को परिवहन, चाबी बनाना, नमक का व्यापार, मनोरंजन इत्यादि शामिल होता है। आपराधी जनजाति अधिनियम 1871 को आदतन अपराधी अधिनियम 1952 द्वारा निरस्त कर दिया गया और कोई गैर अधिसूचित जनजातियों को SC ST OBC की सूचियों में शामिल किया गया है। अब DTS में द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे इसमें दिखाए गए हैं और आता है SC ST OBC की श्रेणी में किसी जाति को शामिल करने के मानदंड को निर्धारित किया गया है, जिसमें SC के लिए अस्पृश्यता की परंपरागत प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन, अन्य पिछड़ा वर्ग में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन तथा केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क स्थापित, संकोच एवं पिछड़ेपन के संदर्भ में।
वर्तमान स्थिति में रेन की आयोग 2008 के अनुसार भारत में लगभग 1500 घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ और 198 गैर अधिसूचित जनजातियाँ, इनकी कुल जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है। भारत में गैर अधिसूचित जनजाति समुदाय द्वारा 31 अगस्त की तिथि को विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया गया है। इसमें DNT जनजाति के तहत DNT के तहत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। अब आता है शहरी गरीबी सुर्खियों में क्यों। UN हैबिटेट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में शहरों में गरीबी और असमानता को तेजी से फैल रही है। भारत में शहरी गरीबी का स्तर क्या है। आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23.5% शहरी परिवार स्लम में रहते हैं और 2011 तक यह प्रतिशत 17% हो गया था, जबकि स्लम में रहने वाले परिवारों की संख्या कुल बढ़ गई है। शहरी निर्धनता क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं। शहरी निर्धनता विशेष रूप से बड़े बड़े शहरों में दिखाई देने वाली निर्धनता का एक रूप होता है। इनके लक्षणों में निम्न आय और रहने की खराब परिस्थितियां, आवश्यक नागरिक सुविधाओं की कमी, जीवन की खराब गुणवत्ता आदि शामिल होती है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम या UN हैबिटेट, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1975 में यूनाइटेड हैबिटेट एंड ह्यूमन सेटलमेंट फाउंडेशन की स्थापना की थी। यह है शहरीकरण के मुद्दे के प्रति समर्पित संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक निकाय है और इसे वर्ष 1977 में UN हैबिटेट फर्स्ट को UN हैबिटेट के पूर्ववर्ती निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देना है और संयुक्त राष्ट्र के इसमें 193 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। शहरी निर्धनता से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम में पहला आता है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन, दूसरा स्मार्ट सिटी मिशन, तीसरा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, चौथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और जल जीवन मिशन शहरी। इन सबको भारत सरकार के द्वारा परियोजनाएं शुरू की गई। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आता है, पहला आता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम है गोल कार्यक्रम। गोल कार्यक्रम की शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य डिजिटल मोड के माध्यम से जनजातीय युवाओं के मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसका उद्देश्य में जनजातीय समुदायों के 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवसर खोलना है और यह स्वयं सहायता समूह और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ से जुड़े परिवारों के उनके उत्पादों की वैश्विक स्तर पर पहुँच बनाने के लिए एक मंच तैयार करेगा। अब आता है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। यह एक राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख संस्थान है। यह शैक्षणिक कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं मुद्दों और मामलों के लिए केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य कल्याण विभागों को डिजाइन अध्ययनों और कार्यक्रमों की नीतिगत जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा इसे एक ही स्थान पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन होगा। अब आता है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पैसे के रूप में मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के लिए अनुच्छेद 21 के अनुसार गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए निर्देश दिया है। ये निर्देश अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए हैं। अनुच्छेद 42 सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामले के पूर्ण न्याय करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश इसमें कहा गया है कि बैक्स और सहमति देने वाले सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कोई पुलिस हस्तक्षेप या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा, बच्चे को केवल इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देव व्यापार में लिप्त है। तीसरा, बचाव कार्यों की रिपोर्ट करते समय मीडिया को उनकी तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए या उनकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। चौथा, केंद्र और राज्यों को कानूनों में सुधार के लिए सेक्स वर्कर्स या उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। पांचवा, UIDAI सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड प्रदान करेगा भले ही वे निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। भारत में सेक्स वर्क कानून की कानूनी स्थिति भारतीय दंड संहिता के तहत स्वैच्छिक लैंगिक कृत्य या वेश्यावृत्ति को गैर कानूनी नहीं माना जाता है, क्योंकि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत वेश्यालय चलाना, इसके लिए दलाली करना, उसका मालिक होना गैर कानूनी है। यहाँ पर हमारे दो टॉपिक कम्प्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कम्प्लीट करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।